आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों ये लोग ये देखिए लाइव ट्रेडिंग सेशन है और इस वक्त निफ्टी अराउंड 65 पॉइंट नीचे चल रहा है। अभी सुबह का 10 बज रहा है, मार्केट अभी ओपन हुआ आधा घंटा हो गया है, 45 मिनट्स हो चुके हैं। 9:15 पे आपका मार्केट लाइव हो जाता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, और अभी मार्केट स्टिल बेरिश मोड में है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप होल्ड कीजिए पोजीशन को, अभी आप किसी तरह की नई पोजीशन को स्टे मत कीजिए, बनाइए मत, क्योंकि अभी ये एक्सपायरी वीक है। थर्सडे को मार्केट की एक्सपायरी होगी और मुझे लगता है स्टिल अभी अंडर प्रेशर रहने वाला है मार्केट, बट बहुत ज़्यादा गिरावट भी संभावना नहीं कह सकते हम अंटिल एंड जब तक कि मार्केट 11,000 का लेवल होल्ड कर रहा है। तो जब तक निफ्टी ने 11,000 होल्ड किया है तब तक कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार क्लोजिंग अगर 11,000 के नीचे जाती है उस वक्त फिर सोचना पड़ेगा कि अब हमें अपनी होल्डिंग्स के साथ क्या करना है। जैसा कि मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी 50 का, तो आप ये देख सकते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में, जो कि हमारा हमने पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया था 11,017 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब नाउ 11,158 ऑलरेडी टूट चुका है जैसा हमने कहा था, और हमने कहा था वो टूटने के बाद एक और डाउनसाइड में देखने को मिलेगा 11,017 तक, और अभी ऐसा हम देख रहे हैं कि 11,000 यहाँ पर एक वीकली चार्ट है। आप देखेंगे W से मतलब वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे ये अभी स्टिल होल्ड कर रहा है 11,065 के लेवल को। सो लेट सी कि क्या जो क्लोजिंग आती है एक्सपायरी की, लाइक थर्सडे को आएगी एक्सपायरी वीक एंड फ्राइडे टिल फ्राइडे क्लोजिंग, जो कि फ्राइडे क्लोजिंग होगी वीक की, तो फ्राइडे तक अगर ये सस्टेन करता है 11,065 के ऊपर, देन एक अच्छे रिवर्सल की एक्सपेक्टेशंस हम लोग करेंगे अक्टूबर मंथ ऑनवर्ड, यानी कि एक अच्छी तेजी बुलनेस हमें देखने को मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ से कुछ और जिस तरह से नेगेटिव सेंटिमेंट्स जनरेट हुए थे हमारे फ्राइडे को, तो अगर कुछ ऐसे ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स की कुछ और न्यूज़ इस वीक में आ जाती हैं, तो होपफुली निफ्टी 11,000 के लेवल को ब्रेक कर देगा और उसके बाद 10,800 लेवल, जो कि फ्राइडे का लो था। फ्राइडे का लो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या था, दैट इज़ द फ्राइडे लो 10,871 का लेवल, फिर निफ्टी इस लेवल के पास डेफिनेटली आएगा ही आएगा। एक बार अगर 11,000 का लेवल टूट जाता है नीचे की तरफ और बंद हो जाती है कैंडल, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आप ये इस बात का याद रखिएगा कि अभी आपको किसी भी फ्रेश पोजीशन से बचना है। नज़र बना कर रखिए बॉटम लेवल पर, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे अच्छे स्टॉक है। अशोक लेलैंड अगर आपको 115 लेवल के आसपास मिलता है, मेघमानी ऑर्गेनिक्स अगर आपको 78 से 80 रेंज के मिलता है, NBCC अगर आपको 60 रुपीज़ के आसपास मिलता है, एंड हिमाद्री स्पेशलिटी अगर आपको 115 रुपये के आसपास मिलता है, यस बैंक अगर आपको 215 रुपीज़ की रेंज में मिलता है। रेडिको खेतान एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर अभी गिरावट का दौर जारी है, और मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास रेडिको खेतान है वो पैनिक ना हो, होल्ड करें पोजीशन को। रेडिको खेतान में अभी हमें और डाउनसाइड देखने को मिलेंगे, 350 लेवल पॉसिबल टारगेट्स है, और अगर एक बार 350 के नीचे जाता है 320 तक भी जा सकता है रेडिको खेतान, बट ये एक हैवी कंसोलिडेशन एक बड़े बुलनेस का इंडिकेशन दे रहा है इसमें, ठीक है। तो ये रेडिको खेतान के बारे में था, कुछ निफ्टी बैंक के बारे में बातें चल रही थी, निफ्टी बैंक में बुलिशनेस। तो दोस्तों फिलहाल आज तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है निफ्टी बैंक में कोई बुलिशनेस की, क्योंकि जिस तरह से हम लोग चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स, ये देखिए आप यहाँ पर एक सपोर्ट मेंटेन किया 24,850 पर, यहाँ पर ये सॉरी रेजिस्टेंस, यहाँ से देखिए ब्रेक नहीं कर पा रहे इस रेजिस्टेंस को, एंड उसके बाद यहाँ लेवल से रेजिस्टेंस ब्रेक किया 24,855 का, ऊपर गया, एंड अगेन यहाँ पर आप इस डेट को देखेंगे 1 मार्च को वापस 24,855 के लेवल को ब्रेक करके उसने नीचे का लेवल टच किया लगभग 23,600 का, एंड उसके बाद ये तकरीबन 23 मार्च की बात है, एंड उसके बाद निफ्ट जो निफ्टी बैंक है वो लगातार ऊपर गया, बुलिश बना, और उसने अपना हाई टच किया 28,171, एंड अगेन ये अब देखेंगे आप कि ये 24,855 की तरफ बढ़ रहा है। कैंडल्स भी देखिए, जब तक कि जो करंट कैंडल होती है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग देती है तो बेयरिश मोड बना रहता है। तो आप देखिए ये कैंडल बंद हुई थी इस ग्रीन कैंडल के नीचे, जो क्लोजिंग था इस रेड कैंडल का वो इस ग्रीन कैंडल के नीचे था, तो यानी कि बेयरिश कैंडल क्रिएट हो गई। उसके बाद आप इस नेक्स्ट कैंडल को देख रहे होंगे जो ये हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना रही है, ये कैंडल
इस प्रीवियस कैंडल से नीचे ही ओपन हुई और नीचे ही क्लोज हुई, यानी कि ओपन भी नीचे हुई क्लोज भी नीचे हुई। एंड अगेन इस कैंडल के बाद फिर अगेन ये कैंडल आप देखेंगे इस प्रीवियस कैंडल से नीचे ओपन हुई और नीचे ही क्लोज हो गई, यानी कि मोर बेरिशनेस इसके अंदर आई। एंड अगेन टुडे आज फिर देखेंगे आप कि ऑलमोस्ट इस कैंडल के क्लोजिंग पर ओपन हुई है और अभी स्टिल नीचे की तरफ जा रही है और 24855 विल बी द सपोर्ट लेवल फॉर द निफ्टी बैंक। तो बैंक निफ्टी में अभी अगर इस वीक में देखिए, अभी थर्सडे को एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, तो प्रॉब्ली अगर आज बैंक निफ्टी ने 24855 टच कर दिया और उसके बाद रिवर्सल आ गया सेकेंड हाफ से, देन वेरी गुड, तो बुलिशनेस आपके शुरू हो जाएगी। बट अगर आज बैंक निफ्टी 24855 860 तक नहीं पहुंच पाया तो मुझे लगता है कल भी थोड़ा सा प्रेशर रहने वाला है, बिकॉज फाइनेंस सेक्टर में आप देखेंगे जिस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आई हैं आज, फिर फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स जो कि यू नो फ्राइडे को भी नहीं गिरे थे, जिसमें कि HDFC है और आपका ग्रू फाइनेंस है, तो वो सब आज गिरावट दिखाई दे रही है उन सभी में। और अगर मैं आपको फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, यहाँ पर केवल DHFL है जो कि 16% अप है, एंड जे पॉली इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट है, ये 9% अप है, और फिनफॉग ये 2% अप है। उसके अलावा आप ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज के स्टॉक आप देखेंगे, बजाज फिनांस को आप देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त गिरावट है बजाज फिनांस के अंदर, 6.5% की गिरावट आई है बजाज फिनांस में, जो कि एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है अपने आप में, बट कहते हैं कि जब पैनिक सिचुएशंस आती हैं तो फिर कुछ भी यू नो फंडामेंटल्स काम नहीं करते। इंडिया बुल्स हाउसिंग में 5% का डाउन साइड है, ग्रुप फाइनेंस 5% डाउन, GLFL, सो ऑलमोस्ट आपको अभी अपने कैपिटल को बचा के रखना है, किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट से आपको अपने आप को रोकना है। आप देखेंगे 77 पॉइंट नीचे निफ्टी इस वक्त जा चुका है, तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि अभी आप कीप डिस्टेंस, आप होल्डिंग पोजीशन अपनी जो भी है उसको ऐसी बना के रखिए, पैनिक मत होइएगा और नई पोजीशन को बनाने से आप बचिएगा। HDFC में भी आज लगभग 2.5% का डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। सो गाइज बस यही है, अभी देखिए यस बैंक आप देख सकते हैं 222 के लेवल पे चल रहा है, लगभग 218। मैं यस बैंक के भी चार्ट आपको एक बार ज़रूर दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये यस बैंक का चार्ट आप देख सकते हैं, ये एक मजबूत सपोर्ट है 224 का वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर 224 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इन द यस बैंक। अगर 224 टूट जाता है और आज उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो यस बैंक में मोर वीकनेस देख पाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ से, मैं यहाँ से अगर इसको चार्ट को हटा दूँ तो जो मुझे डाउनसाइड नज़र आता है यस बैंक में, और ज़्यादा कहाँ तक एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है, वो लगभग रहता है 217 रुपीज़ पे, 217 रुपीज़ के आसपास, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल है यस बैंक के अंदर, और होपफुली ये उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, 217 के ऊपर ही रहना चाहिए यस बैंक को। एंड स्टिल अगर 217 के ऊपर ये अगले 2-3 दिन 4 दिन होल्ड कर जाता है, और इवन कल तो आप सभी को पता है जिस तरह की बोर्ड मीटिंग है यस बैंक की, जिसमें कि ये डिसाइड होने वाला है कि क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, क्या राणा कपूर RBI के डिसीजन के अगेंस्ट हाईकोर्ट में जाके अपील करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा सोर्सेज के थ्रू ये कुछ र्यूमर्स आ रही हैं कि राणा कपूर हाईकोर्ट जा सकते हैं इस अपील के लिए, और अगर राणा कपूर को स्टे मिल जाता है नेक्स्ट ऑर्डर तक, सो डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ रहेगी यस बैंक के लिए, और यस बैंक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता और कल ये लोग नए बोर्ड मीटिंग में अगर नए किसी भी MD और CEO का नाम डिक्लेयर करते हैं, देन उसके बाद भी ये देखने वाली बात है कि वो CEO जो MD है वो कितना ट्रस्टवर्थी है यस बैंक के अगेंस्ट, एंड जो भी राणा कपूर है उनका कितना क्लोज रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ, ये काफ़ी चीज़ें मैटर करने वाली हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो आप स्टिल अपनी पोजीशन को बना कर रखिए, पैनिक मत होइए, यस बैंक में काफ़ी गैप्स क्रिएट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रहने वाला है, अपसाइड के पोटेंशियल ह्यूज है। जो लोग गिरावट में पैनिक हो रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यू नो यस बैंक इज़ द वर्स्ट बैंक और अब उनके दिमाग में ये चीज़ आने लगी, तो मैं उन सभी को ये अलर्ट देना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए बहुत सारे अब नेगेटिव र्यूमर्स चलेंगे, क्योंकि एक न्यूज़ आई है राणा कपूर को हटाने की, जो कि राणा कपूर जो कि फाउंडर रहे हैं यस बैंक के, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस न्यूज़ को जो ऑपरेटर्स हैं वो बहुत सही तरीके से यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट करने के लिए, ताकि जो रिटेल निवेशक हैं वो इस पैनिक में भी नए पोजीशन को ऐड करने के बजाय अपनी जो होल्डिंग्स हैं उसको बेचें
और वहाँ पर लोअर रेट्स पर जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको वो स्टॉक्स खरीदने को मिल जाए दोस्तों। काफ़ी कुछ लोग इस वक्त खरीद भी रहे होंगे जो अच्छे निवेशक होंगे लोअर लेवल पर। तो यस बैंक में अभी नई पोजिशन से बचिएगा, 217 इज़ द गुड सपोर्ट लेवल ऑन द डेली चार्ट। और उसके अलावा बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं यही कहूँगा, बैंक निफ्टी में अभी आप फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके रखिए, अभी कोई नई पोजीशन मत बनाइएगा। मुझे लगता है कि 25,000 से नीचे बैंक निफ्टी जाना चाहिए। रेस्ट हम लोग एक बार फिर से बैंक निफ्टी के लेवल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 25,250 के लेवल पर स्टक कर रहा है बैंक निफ्टी, और अगर मैं कहूँगा वहाँ तक नहीं भी गया तो लगभग 2560 का लेवल, जो कि इस प्रीवियस कैंडल, ये आप देख सकते हैं, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका लो है 2560। सो दैट आई एम सेइंग कि अगर 2560 ब्रेक होता है सो डेफिनेटली 28,800 लेवल आपको यस बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही निफ्टी में 81 पॉइंट का डाउन साइड है अभी। फिलहाल आप वेट कीजिए अगले एक आध घंटे के लिए, देखते हैं कि मार्केट में किस तरह की रिकवरी के चांसेस हैं, क्या निफ्टी आज 11,117 के नीचे जाएगा डेली चार्ट पे, या वीकली में वो अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 11,065 उसको मेंटेन करके चलेगा। 11,058 का लेवल आ चुका है देखिए निफ्टी में। तो अभी किसी देखिए पैनिक सिचुएशन तो है ही सभी के लिए, आप सभी का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अभी आप किसी भी तरह से पैनिक मत होइएगा, इस सिचुएशन को पास ऑन होने दीजिएगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमें कहां पर जाना है। 90 पॉइंट नीचे निफ्टी, देखते ही देखते निफ्टी 11,052 के लेवल पर जा चुका है, और यहां से हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट का दौर लगातार बढ़ रहा है। बजाज फिनांस में देखिए आप 8% डाउन हो चुका है बजाज फिनांस, और बजाज फिनांस के चार्ट्स को हम लोग जरूर देखेंगे कि क्या गजब हो गया आज इस स्टॉक के अंदर। जो कल DHFL का हाल था वो आज बजाज फिनांस का हाल हो रहा है धीरे धीरे। एंड अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है बजाज फिनांस का जो जा सकता है जहाँ तक, वो तकरीबन आप देखेंगे 2,000 रुपये तक का लेवल भी हमें बजाज फिनांस के अंदर देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले हमें इस प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ना पड़ेगा, और वो लो रहेगा इसका लगभग 2,128-2,125 रुपये का, यानी कि 2,125 के नीचे अगर बजाज फिनांस गया तो 2,000 लेवल जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, एंड जो बिगेस्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 1968, यानी 1968 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ द बजाज फिनांस। तो जिनके पास बजाज फिनांस है वो समझ लीजिए कि अभी स्टिल पैनिक है, बट डरने की कोई बात नहीं है, ये एक सेंटिमेंटल फॉल हो रहा है इस वक्त जो हो रहा है। रिकवरी जल्दी ही आएगी, जैसे जैसे सेंटिमेंट नॉर्मल होंगे रिकवरी आ जाएगी। चोलामंडल फाइनेंस 5% नीचे है, रैपको होम 6% नीचे है, कोरल फिनांस 6% नीचे, मुथूट फिनांस 5% नीचे, आप सभी स्टॉक्स को देख पाएंगे। PNB हाउसिंग लगभग 6% नीचे, मनप्रम लगभग 5.5% के नीचे, मनप्रम बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका है ये, और यहाँ से जो गिरावट है मनप्रम में मुझे काफ़ी लगता है कि अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है मनप्रम फाइनेंस में। एंड अगर आपको लगभग 72 के लेवल तक मिलता है मनप्रम फाइनेंस, देन वेरी गुड लेवल टू बाय फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग। 96 पॉइंट नीचे 11,046 का लेवल टच कर चुका है, और मुझे लगता है जल्दी ही निफ्टी 100 पॉइंट नीचे भी चला जाएगा। सो गाइस ये हमने बात की, देखिए DHFL जो कि 14% ऊपर चल रहा है, 42% डाउन साइड में बंद हुआ था फ्राइडे को, 57% का लो टच किया था DHFL ने फ्राइडे के ट्रेडिंग मार्केट में। सो ये रहा आपका जो भी कुछ है, इंडेक्सेस में भी एक बार नज़र मार लेते हैं, आपको बताएंगे कि इंडेक्सेस में कौन था आज ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। रियलिटी सेक्टर देख सकते हैं आप, 4% के आसपास डाउन है रियलिटी सेक्टर का इंडेक्स जो है। ऑटो सेक्टर का इंडेक्स जो है वो लगभग 2% डाउन है, तो ऑटो स्टॉक्स भी जो अभी आज डाउन रहेंगे। मिड कैप्स में देखिए लगभग 2% का डाउन साइड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी लगभग 2% का डाउन साइड है, स्मॉल कैप लगभग 2% डाउन है। स्मॉल कैप को जरूर हम देखेंगे कि कहाँ तक और गिरावट है, क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर लगा हुआ है दोस्तों। एंड जहाँ से स्मॉल कैप में दोस्तों देखिए जो गिरावट का दौर तो स्टिल चल ही रहा है, पैनिक तो है ही, अभी स्मॉल कैप में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटम रहेगा वो 6642 यानी 6640 का रहेगा, यानी कि स्टिल अभी लगभग 120 पॉइंट का डाउन साइड अभी स्मॉल कैप सेगमेंट में और आ सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। बल्कि अगर मैं आपको फेयरली बताऊं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशल लेवल रहेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स के,
वो रहने वाले हैं तकरीबन इन लेबल्स पर आके 6500 यानी 6500 का लेबल स्टिल टच कर सकता है स्मॉल कैप। लेकिन एक बड़े तेज़ी की उम्मीद भी हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा। 64-65 वीकली चार्ट में 64 लेबल है। वीकली चार्ट में अगर हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप आ जाइए जो 6485, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेबल रहेगा वीकली चार्ट में। यानी कि अगर इस महीने सितंबर मंथ में जो निफ्टी है वो 64 स्मॉल कैप अगर 6485 के नीचे बंद होता है तो फिर एक सिचुएशन आ जाएगी काफ़ी पैनिक क्रिएट करने वाली। सो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या ये गिरावट का दौर कंटिन्यू हो चुका है या ये सेंटिमेंट जैसे ही बदलेंगे वापस तेज़ी आएगी और निफ्टी 11,000 को होल्ड करके चलेगा। आज का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा आपको कि क्या 11,000 का स्तर टूट रहा है या 11,000 के स्तर को निफ्टी मजबूती के साथ पकड़ के बैठा है और इंतज़ार कर रहा है इस महीने की एक्सपायरी का, ताकि उसके बाद एक अच्छी शुरुआत भी नई एक्सपायरी में कर सके। तो ये रहा मिड कैप सेगमेंट का भी एक बार इंडेक्स आप लोग देख लीजिए। सो ये लाइव मार्केट है इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से मूवमेंट चल रहा है मार्केट में। और ये आप मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो गाइस ये दिस वन यानी 18,000 का लेबल जो है वो मिड कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। अगर 18,000 टूटता है देन उसके बाद आपको मिड कैप में एक स्मॉल करेक्शन 17,300 तक के लेबल देखने को मिलेंगे, जो कि अनदर स्मॉल सपोर्ट लेबल रहेगा। क्योंकि अगर बियर्सनेस हावी रही तो फिर मिड कैप में हमें और ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट स्टिल वेट कीजिए कि जो भी इनके सपोर्ट्स हैं, जैसे 18,000 का सपोर्ट है मिड कैप का मंथली में वो होल्ड करता है, वीकली में भी 18,000 का सपोर्ट है, ठीक है, जो होल्ड करके अगर चलता है मिड कैप इंडेक्स देन आने वाले समय में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा आखिर कि बियरनेस बढ़ती है। आप देखेंगे निफ्टी में रिकवरी आई है, 80 पॉइंट रह गया है केवल। एंड उसके अलावा फिनेंस सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि कुछ रिकवरी आती है बजाज फिनेंस में, या ऑब्वियसली बजाज फिनेंस में भी लगभग 6% फॉल रह गया, 6.5% का फॉल रह गया। सो देखिए स्लोली स्लोली रिकवरी रहेगी, अभी अप्स एंड डाउन चलेंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। येस बैंक बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है 217 के लेवल को, जहाँ तक कि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है लेकिन येस बैंक अपनी पोजीशन को बना के रखा हुआ है। मात्र 0.33% का ही गिरावट है आज, और यहाँ पर ये अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है येस बैंक के लिए। तो आप सभी नज़र बना के रखिएगा येस बैंक पे, फिनेंस सेक्टर पर जो जो स्टेटस जो मैंने आपको दिए हैं, चाहे वो स्मॉल कैप के बारे में, मिड कैप के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, अगर ये सभी स्टेटस आप लोग मेंटेन करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोग नुकसान से बचे रहेंगे। आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट में कहाँ पर पोजीशन बनानी है हमें। निफ्टी बैंक स्टिल होल्ड कर रहा है 25,200 के लेवल को, और अगर ये होल्ड करता है यहाँ से तो मुझे लगता है कि फिर ये इसके लिए एक अच्छी बात रहेगी। बट स्टिल ये आपके देखिए आपके वीकली लेबल थे, ये जो मैंने आपको बताया 24,855 इज़ द वीकली सपोर्ट लेबल द निफ्टी बैंक। तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आपको समय मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने का, बहुत ही सुनहरा मौका भी मिलेगा। दूसरी चीज़ रुपये का जो वैल्यूएशन है दोस्तों, वो रुपये काफ़ी नीचे है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। RBI काम कर रही है काफ़ी पॉजिटिवली रुपये के वैल्यूएशन को लेके, और जिस तरह से चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं, अभी रुपी का चार्ट आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट जैसा कि मैंने रुपी के चार्ट्स को देखा था तो मुझे लगता है कि आने वाले महीने में वापस रुपी लगभग 69.5 के आसपास वापस आएगा। एंड वहां से फिर हमें बैंकिंग फिनेंस, हाउसिंग फिनेंस इन सभी सेक्टर में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि रुपी का डिवेल्यूशन जितना होगा उतना फाइनेंस सेक्टर पर उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता रहेगा। और जो गिरावट है उसका मेन रीज़न ही अगर हम कहेंगे तो जो रुपी का स्ट्रांगली डिवेल्यूशन इस समय चल रहा है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है फाइनेंस सेक्टर के ऊपर, और इसीलिए फाइनेंस सेक्टर अंडर प्रेशर है। सो गाइस ये हमने बात की आपको, और अभी देखते ही देखते लगभग 11,074 का लेवल पहुँच चुका है, यानी कि माना जा रहा है कि निफ्टी होल्ड कर रहा है 11,000 को बहुत ही मजबूती के साथ, और नेक्स्ट मूव के लिए वो अपने आप को रेडी कर रहा है फ्रॉम नेक्स्ट एक्सपायरी इन द अक्टूबर मंथ। एंड इसके अलावा जियोजिट फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में कुछ क्वेरीज थी मेरे मित्र लोगों की, तो जियोजिट फिनेंशियल में अभी मुझे फिलहाल स्टिल और वीकनेस नज़र आ रही है। मुझे लगता है 50 रुपीज़ का लेबल हमें जियोजिट फिनेंशियल के अंदर देखने को मिल सकता है।
और इसके अलावा एडलवाइसेस फिनेंशियल फिनेंशियल्स में हम लोग बात करेंगे। तो एडलवाइसेस फिनेंशियल के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 220 का लेवल आ चुका है, इतना बहुत ही मजबूत सपोर्ट आज एडलवाइसेस ने तोड़ दिया है और ये इंडिकेशन दे रहा है कि नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो लगभग 210 के आसपास वापस जा सकता है एडलवाइसेस। तो ये एक वीकनेस है, आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त गिरावट दिखा रहा है एडलवाइसेस फिनेंशियल सर्विसेज। अभी कब ये दौर थमेगा ये तो देखने वाली बात है। अगर 216 के नीचे की क्लोथिंग जाती है डेली में एडलवाइसेस की तो हमें 200 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये स्टॉक्स के बारे में और कुछ हमने इंडेक्सेस के बारे में बात की। होपफुली निफ्टी अगर रिकवरी देता है तो सारे ही सेक्टर्स में रिकवरी वापस आ जाएगी। जैसे ही निफ्टी ग्रीन में जाएगा धीरे धीरे जो अदर सेक्टर्स हैं वो सभी ग्रीन में आते चले जाएंगे। जल्दीबाजी मत करें, इत्मीनान से आज वॉच करें टिल द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट, जब तक यूरोपियन मार्केट ओपन होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 o'clock पे। देखते हैं कि यूरोपियन मार्केट में कैसी ओपनिंग रहती है, कैसा उसका रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट पर पड़ता है, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे आगे की चाल। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग जल्दी मुलाकात करेंगे, कुछ नई स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। बट ये लाइव मार्केट था इसलिए मैंने आप सभी को लाइव मार्केट में फ्लक्चुएशंस दिखाए और अभी मैं यही कहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह की पोजीशन को ओपन करके मत बैठिए एंड वेट कीजिएगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अप्लाई है, सबसे बढ़िया तरीका रहेगा ये इस वक्त आपके लिए और आपके पैसे के लिए भी। सो गाइज आज मैं यहीं चलता हूँ, अब अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा आप सभी से। तो आप लोग मार्केट में देखिए, होल्ड कीजिए और नज़र बना कर रखिए। नमस्कार दोस्तों।